अगर देखा जाए तो आज किस बदलते मौसम के साथ साथ कई सारी बीमारियां हमें अपनी चपेट में लेने लगती हैं, और अगर बात सर्दी के मौसम की जाए तो फिर कहने ही क्या है। जी हाँ, सर्दी के मौसम में टॉन्सिल्स की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी खास वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिनसे गले में टॉन्सिल वाले भाग में दर्द और स्वेलिंग की समस्या होने लगती है। आमतौर पर मरीजों में टॉन्सिल्स ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसके कारण मरीज के गले और कान में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इसका घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं आज की इस वीडियो में उसके कुछ घरेलू उपायों के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि टॉन्सिल्स की समस्या से निजात पाने के लिए आप इसकी बर्फ़ से सिकाई करें। इसके लिए एक सूती कपड़े में बर्फ़ के कुछ टुकड़े भरें और गले में टॉन्सिल्स वाले भाग पर सेकें। दिन में 5 से 6 बार बर्फ़ की सेक दें, इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करके भी आप टॉन्सिल्स की बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके लिए एक गिलास में गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं और सोने से पहले नियमित रूप से इसका सेवन करें। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू, नमक और शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ लें, इसमें एक चुटकी नमक डालें और 2 चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार लें। इससे आपको और भी जल्दी आराम मिलेगा। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।